नमस्ते बच्चों, हमारा पहला अध्याय समाप्त हो गया है। ओके, अब थोड़ा एक्सरसाइज बाकी है। इसके पहले ये देखो, शब्दार्थ आप लोगों ने लिखा है। शब्दार्थ देखो, सवेरे, इसका अर्थ है सुबह या मॉर्निंग। देखो नेक्स्ट वर्ड पूर्व, क्या है? पूर्व दिशा मतलब ईस्ट। डाइने पंख या विंग्स। और नेक्स्ट देखो सुनहले, सुनहले मतलब सुनहरे, सोने जैसे रंग के, गोल्डन। पंछी पक्षी चिड़िया बर्ड, पंछी का मतलब है बर्ड। डोला हवा में झूमा या टू स्विंग, यह है वर्ड मीनिंग। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट ये देखो मौखिक, ये ओरल टाइप क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन क्या है? ये कविता किस समय के बारे में है? इस कविता में, सबसे पहले कविता में किस समय के बारे में कहा है? वो टाइम इज सेट इन दिस पोएम, इस कविता में किस समय के बारे में कहा है? इसमें सुबह, सुबह मॉर्निंग के बारे में कहा है, राइट? आज उड़ाव में सबसे पहले सुबह के बारे में कहा है। सेकंड क्वेश्चन देखो, पूरब में कैसे बादल फैले हैं? पूरब में बादल, पूरब हमने पढ़ा है ईस्ट, और बादल क्लाउड। पूरब में कैसे बादल फैले हैं? हाउ वॉज दैट क्लाउड्स विच वॉज स्प्रेड इन द ईस्ट, वो बादल कैसा है? वो बादल पीले लाल सुनहले, कैसा है? पीले लाल सुनहले। और थर्ड क्वेश्चन देखो, चिड़ियों के उड़ने से कैसी आवाज़ आती है? चिड़ियों के उड़ने से कैसी आवाज़ आती है? ये चिड़िया मतलब क्या है? यह देखो चिड़िया बर्ड, उड़ना फ्लाई, टू फ्लाई। चिड़ियों के उड़ने से कैसी आवाज़, आवाज़ साउंड। कविता में कहा है चिड़ियों के उठने का आवाज़ क्या कहा था? फर फर, क्या है वो आवाज़? फर फर। फोर्थ क्वेश्चन देखो, हवा चलने पर क्या होता है? हवा, हवा हमने पढ़ा है हवा, विंड। चलने पर क्या होता है? व्हाट हैपन्स व्हेन द विंड ब्लोस, क्या होता है? हवा चलने पर पत्ता हिलता है, पत्ता हिलता है। हवा चलने पर पत्ता हिलता है, हवा चलने पर पत्ता हिलता है। ये देखो क्या कहा है इस कविता, ये कविता किस समय के बारे में है? ये कविता सुबह के बारे में, सवेरे के बारे में है। और ये पूरब में कैसे बादल फैले हैं? पूरब में कैसे बादल? पीले लाल सुनहले बादल। और थर्ड वन देखो, चिड़ियों के उड़ने से कैसी आवाज़ आती है? चिड़ियों के उड़ने से फर फर, क्या है आवाज़? फर फर। और देखो हवा चलने पर क्या होता है? हवा चलने पर पत्ता हिलता है, क्या होता है? पत्ता हिलता है। ओके, क्लियर हो गया ना? अब नेक्स्ट देखो, ये देखो कविता की पंक्तियाँ पूरी करो, कंप्लीट द लाइन्स ऑफ पोएम। यहाँ कविता का लाइन्स दिया है, वो कंप्लीट नहीं है। देखो यहाँ आपको कंप्लीट करना है, उसमें कविता देखकर यहाँ ये लाइन्स आपको कंप्लीट करना है, ये आपका होमवर्क है। ओके, आज उठा, यहाँ क्या होगा? आज उठा मैं सबसे पहले, डैश चुनूंगा, पौधे पौधे डैश, फूल खिले डैश, सबसे कहता आज फिरूंगा डैश डोला डैश बोला, कैसे कलियों डैश। ये कविता देखकर इसे कंप्लीट करना, ये आपका होमवर्क है। ओके, अब ये देखो
सेकेंड वन उदाहरण समझो और करो, अंडरस्टैंड एंड राइट। यहाँ एक एग्जाम्पल आपको दिया है, ये देखो पौधे पौधे कैसा लिखा है, हर पौधे 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 हर पौधे। और नेक्स्ट देखो पल पल, यहाँ पल पल इसी तरह लिखना, एग्जाम्पल जो दिया है उसी तरह पल पल क्या होगा, हर पल पौधे पौधे हर पौधे, पल पल हर पल, दिन दिन क्या होगा, हर दिन 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 हर दिन, यहाँ लिखना हर दिन और यहाँ हर पल, क्लियर। ओके ये देखो नेक्स्ट देखो धीरे धीरे, ये क्या है लिखा है यहाँ, बहुत धीरे, एग्जाम्पल दिया है बहुत धीरे 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 बहुत धीरे, पीछे पीछे क्या होगा, बहुत पीछे, सुंदर सुंदर बहुत सुंदर। ओके ये भी आपका होमवर्क है, कंप्लीट करना बाकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।